योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जनता के हित में काम करने की हिदायत लगातार दी है। बावजूद इसके कुछ अधिकारी अब भी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर से सामने आया है, जहां महिला दरोगा का दुकानदार से बदसलूकी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि एक मामले की जांच के लिए आरोपी दरोगा महिला दरोगा निशा यादव इंद्रजीत की दुकान जांच के लिए पहुंची तो इंद्रजीत ने दरोगा का वीडियो अपने मोबाइल से बनाने लगा, जिससे नाराज महिला दरोगा निशा यादव अपना आपा खो बैठी और दुकानदार से अभद्रता करने लगी और मोबाइल छीन लिया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हमारी दुकान गुरुनानक वूल स्टोर के नाम से इंदिरा मार्केट में है, तो हमारे यहाँ 30 तारीख को घटना घटित हुई कि हमारे पीछे वाले दुकानदार ने हमारे यहाँ गाली गलौज किया हमारी वाइफ की उपस्थिति में, जिसकी सूचना एसएचओ को हमने दी तो उन्होंने निशा यादव एसआई को भेजा। उन्होंने आते ही मुझे वो तकरीबन 7-8 पुलिस वाले थे, उन्होंने मुझे आते ही थाने घसीट लिए जाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनको अपनी दुकान के अंदर ले आया जहाँ पे मैं वॉइस वीडियो कैमरा हमारे यहाँ लगा हुआ था। वहाँ पे उन्होंने हमारा एक तो मोबाइल छीन लिया और डीसीपी के कुछ ऑर्डर थे उसको फाड़ के फेंक दिए, और वो मोबाइल आज की डेट में, आज 3 तारीख है, आज की डेट में भी निशा यादव जी के पास है। और ये पूरा थाना जो है ये बंधा हुआ है और इसमें ना कोई ACP सुनता है ना कोई SHO सुनता है। तो इसके लिए हम कमिश्नर साहब के पास गए थे, तो कमिश्नर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई जो है DCP साउथ करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 0.2 को आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा उत्तर प्रदेश के पुलिस के आला अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को यही हिदायत देते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता से वो सलूकी से व्यवहार करें, लेकिन आज कानपुर से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी चौंका देगा। जी हाँ, आपको बता दें कि नजीराबाद थाना अंतर्गत गुमटी बाजार में एक दुकानदार को महिला पुलिसकर्मी अभद्रता से बात करती नजर आ रही है। दुकान में लगे CCTV में पूरी घटना जो है वो कैद हुई है। बिल्कुल आपको बता दूं कि पड़ोसी से विवाद के चलते महिला पुलिसकर्मी निशा यादव दुकान में जांच करने पहुंचती हैं, जिसके बाद जब दुकानदार महिला दरोगा का वीडियो बनाता है तो निशा यादव जो SI हैं वो उससे नाराज हो जाती हैं और मोबाइल उसका छीन लेती है। ये घटना 30 तारीख की है। आज जब पीड़ित ने आला अधिकारियों से गुहार लगाई है तब जाकर उसकी शिकायत सुनी गई है। पीड़ित का कहना भी है कि महिला दरोगा ने 30 जून को उसका मोबाइल छीना था और आज तक उसका मोबाइल वापस नहीं किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, JMD न्यूज, कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News।